नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। इस वक्त जनपद मिर्जापुर के कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र में पड़ने वाला रेलवे स्टेशन का जो इलाका है, कई लोगों के घरों में दहशत व्याप्त देखा जा रहा है। तमाम घरों के लोग घबराए हुए हैं। दरअसल ये जो हमारे साथ जो दंपत्ति दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों पति पत्नी कटरा कोतवाली पुलिस से मदद मांगने के लिए गए थे और इसी तरीके से कई परिवार पीड़ित है। मामला ये है कि हम अपने कैमरा मैन से दिखाना चाहेंगे, बताएंगे कि वो दिखाएं कि देखिए ये जो आज के जो इनकी दुकान है, इस पीड़ित दंपत्ति की जो दुकान है, इस दुकान में दुकान खोलने के पहले ही जिस तरीके से तंत्र मंत्र साधना और तमाम इनका इनको शंका है कि किसी ने इनके ऊपर जो है लौंग और तमाम ऐसी सामग्रियों का प्रयोग करके इनके मानसिक स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास किया है, इनके दुकान को चलती दुकान को प्रतिरोध उत्पन्न करने के आशय से ये किया गया है। हालांकि वैज्ञानिक युग में इसका कोई तथ्य नहीं है, कोई मान्यता नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोग क्यों दशहत में हैं, क्यों घबराए हुए हैं, आप बताएं मैडम क्या दिक्कत हुआ, ये क्या आप कहना क्या चाहती हैं? चौथा वाकया होगा तो तीन बार ऐसे सरसों नींबू मर्चा सब रख दिया, तो हम लोग नहीं सोचते क्या झगड़ा लड़ाई करें। और इस बार आज रात में 3 बजे या 4 बजे जो भी हम उठे, 5 बजे भोर में टहलने जाते, हम देखे तो हम इनसे जगाए कि क्या सीढ़ी पर हमारे छत पूरा पूरा सीढ़ी पर लौंग सरसों चावल हल्दी का गाट और गरी सब कुछ अंडा उसमें चप्पल सब कुछ लकड़ी का कोला, और यह सामग्री हमें बगल वाले के लिए शंका है और वही ये करता है बदतमीजी। हमेशा लड़ाई झगड़ा चाहता है मगर हम लड़ाई नहीं चाहते, इसलिए हम लोग सोच रहे चले न्यायालय से ही समझौता करें। ये इससे क्या, इससे आपको मानसिक दबाव महसूस होता है या आपको डर उत्पन्न होता है इन सामग्रियों को देख? भाई सामग्री देखते तो कुछ हमको घबराहट होने लगती है कि कुछ किया कराया ना हो, कुछ कराता ना हो हम लोग ऊपर, हमारे आदमी के भी ऊपर उसको हमेशा जलन रहता है दुकान का हमारे वैज्ञानिक। हालांकि हालांकि इसका इसका भले ही जो शिक्षित वर्ग इसको भले ही इग्नोर करे, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी तमाम अभी भी कई लोगों के दिमाग में इसका व्यापक असर आता है। इसका क्या व्यापक असर आता है, हम यहाँ के दुकानदार से भी जानना चाहेंगे। सर आप बताएं ये जो सामग्री है, जो मखाना है, लौंग है, पीला चावल है, इसका क्या क्या दुष्प्रभाव आपको दिखाई देता है? मैं तो अपने दिमाग को संतुलित करता हूँ, लेकिन परिवार में बच्चों को जो है इसका गलत मानसिक प्रभाव पड़ता है, गलत साइकोलॉजी ढंग से, मतलब वो भयभीत और मतलब भी रहते हैं। हो सकता है पापा को कुछ हो जाए, हमारे पति को कुछ हो जाए, तो वो मतलब उस दबाव में जी रहे हैं, मतलब बहुत ही मानसिक प्रताड़ना होती है। भले ही चीज़ों को हम ना माने, लेकिन हर व्यक्ति इस चीज़ से मतलब पीड़ित रहता है। और दूसरी बात कि अगर जिस व्यक्ति ने इसको यहाँ तक रखा तो घर के ऊपर दूसरी मंजिल पर चढ़ के घर के दरवाजे तक रख के आया, उसका रखने का इरादा वास्तव क्या था? आज उसने ये रखा, कल इसकी हिम्मत, कल कोई अप्रिय घटना अगर होती है तो मैं कहूँगा ये जो पड़ोसी है, ये चौथी बार हुआ है, इसी के ड्यूटी में ऐसा होता है। अगर कोई अपनी घटना होता तो मैं इसको ही इंगित करना चाहूँगा। तो आप समझ पा रहे हैं और देख पा रहे हैं कि दरअसल स्थिति है क्या, कि भले ही इस चावल लौंग और पीला सरसों में या टूटे हुए अंडे में कोई ताकत ना हो, लेकिन जो दुष्प्रभाव परिवार जनों के ऊपर डालना था वो साफ साफ इस पीड़ित परिवार के ऊपर देखा जा सकता है। जबकि इस तरीके की कोई वैज्ञानिक तथ्य सबूत नहीं है कि इसका कोई दुष्परिणाम भी आता है। फिलहाल इन लोगों को अपेक्षा है कि इलाके की पुलिस इनकी इस कार्रवाई को जो है त्वरित रूप से निस्तारण करेगी और इनके मानसिक स्थिति तब सामान्य हो पाएगा। मिर्जापुर से वीरेंद्र गुप्ता, टीवी 100 के लिए।